हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्रम और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अक्रम फैशन डिजाइनर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बंगाली पजामा। दोस्तों, वैसे तो पजामे कई तरीके के होते हैं और कई सारे पजामे आपको हमारे चैनल आपको मिल जाएंगे, जैसे कि पैंट कट पजामा, जेबदार पजामा, मैनुअल पजामा। लेकिन आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे आप बंगाली पजामे की कटिंग किस तरह से कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाती है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर लें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं आज बंगाली पजामे की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास जो कपड़ा है, ये कपड़ा है 2.5 मीटर का। और बंगाली पजामे की कटिंग करने के लिए कपड़े को आपको इस तरीके से बिछा लेना है। ये देखिए, हमने यहाँ से 4 लेयर इन कपड़े को बिछा लिया है। देखिए 1, 2, 3 और 4, ये 4 जो लेयर हमने कपड़े की तय को बिछा लिया है। और ये जो किनारे हमारी, हम इनको इस तरह बिछा लेंगे। जो बंद वाला हिस्सा है वो मैंने अपनी तरफ रखा है और जो किनार वाला हिस्सा है ये रखा है मैंने बाहर की तरफ। इस तरह से चारों किनारों को बराबर करने के बाद, और यहाँ से देखिए नीचे की तरफ ये जो छोटा बड़ा है और जो धागे निकले हुए हैं, आप यहाँ इनको सीधा कर लें। चाहे तो आप स्केल की मदद से भी कर सकते हैं या फिर कैंची से इनकी सीधी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने नीचे से इसकी सफाई कर ली है। और इसकी सफाई करने के बाद सबसे पहले जो आपको निशान लगाना है वो लगाना है यहाँ से। यहाँ से हम मोहरी बनाना शुरू करेंगे। तो जितना भी साइज का आपको मोहरी चाहिए उसी के साइज का आप यहाँ पर निशान लगा लें। तो देखिए, मैं यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाऊंगा, 1/2 इंच मेरा यहाँ फोल्ड हो जाएगा और 1.5 इंच की चौड़ाई की मेरी चौड़ी पट्टी बन जाएगी मोहरी वाली, और मोहरी में मैं इसमें सिलाई लगाऊंगा। तो ये देखिए, जो मैंने जो निशान लगाया है, इस निशान को सीधा करेंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद दोस्तों, जो अब हम यहाँ से लगाएंगे हमारी लंबाई के निशान। लेकिन लंबाई का निशान लगाने से पहले मैं आपको बताऊंगा इसका मेजरमेंट किस तरीके से है। देखिए, इसकी जो लेंथ है वो है 38 इंच की, और इसकी जो मोहरी रखूंगा वो रखूंगा 14 इंच की, और जो इसकी थाई साइज रहेगा वो रहेगा 28 इंच का। जो पजामा होता है दोस्तों, उसमें 3 जगह से ही ज़्यादा मेजरमेंट लिया जाता है, लंबाई का, मोहरी का और थाइज का। तो सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पर 38 जो हमारी लंबाई है। तो 38 निशान लगाने के लिए ये देखिए, जो हमने मोहरी का निशान लगाया है यहीं से हम फिक्स हमारे स्टेप को इस तरीके से जमाएंगे और यहाँ ऊपर की तरफ एक निशान लगा देंगे। जहाँ पर भी हमारा स्टेप आएगा, तो हमारे स्टेप है जो यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर एक निशान लगा देंगे 38 इंच का। उसके बाद दोस्तों 2 इंच निशान और लगाएंगे 38 के ऊपर, जो कि हमारा घेरे में फोल्ड हो जाएगा एक्स्ट्रा मार्जिन, तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगा देंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद, ये जो हमने 2 निशान लगाए हैं, इन दोनों निशानों को स्केल से बिल्कुल सीधा कर देंगे। इस तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ 2 निशान लगा लिए हैं। उसके बाद हम लगाएंगे हमारे आसन के निशान। दोस्तों, जो नॉर्मल पजामे होते हैं उनमें जो आसन लगाया जाता है वो यहाँ से, जहाँ पर भी हमारी लंबाई आ रही है, अगर हम यहाँ से निशान लगाते हैं तो हमारा निशान लगेगा 13 इंच का। इस तरीके से अगर दोस्तों, जो हमने घेरे के लिए ऊपर मार्जिन लिया है, अगर हम यहाँ से निशान लगाते हैं तो ये आता है यहाँ पर 15 इंच का। तो आप चाहें जहाँ से भी निशान लगा सकते हैं, आपका निशान बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए, तो हम यहाँ से लगाते हैं 13 इंच पर, तो ये हमारा 13 इंच का निशान है। तो इस निशान को भी हम यहाँ से सीधा करेंगे इस तरीके से। ये हो गया हमारा आसन का निशान। उसके बाद देखिए, जो हमारी थाई साइज है वो है 28 इंच की, और 28 का आधा हो जाता है 14। तो यहाँ पर हम 14 इंच पर एक निशान लगा देंगे। और उसके बाद जितना दोस्तों हमें मार्जिन के लिए दबाव में चाहिए हम उसको भी ले लेंगे। तो हम यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे, सिर्फ 1/2 इंच हम इसमें दबाव के लिए लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये 14.5 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से 2 इंच पीछे की तरफ एक निशान और लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमारी राउंड आएगा। तो उसके बाद ये देखिए हमारे पास कितना कपड़ा है, टोटल 12.5। तो यहाँ पर भी ऊपर की तरफ हम एक निशान और लगाएंगे 12.5 इंच पर। यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लिया है, और उसके बाद इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, लंबाई का और यहाँ पर आसन का जो फिटिंग है हमारी, उसका हमने निशान लगा लिया है। तो हमारा आखिरी निशान लगेगा, वो लगेगा बॉटम का। तो बॉटम हमारे यहाँ पर 14 है, और 14 का आधा हो जाएगा 7। तो एक निशान तो हम लगाएंगे यहाँ पर 7 इंच पर, और उसके बाद 1/2 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा, जो कि हमारा दबाव में काम आ जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारा बॉटम का निशान हमने लगा लिया है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम एक सेफ पट्टी लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास सेफ पट्टी है, और स्पेशल हमने इसी पजामे की कटिंग के लिए इसको ले रखा है। आपने हमारी रोज़ की वीडियो में देखा होगा, जो हम अक्सर वीडियो सेफ पट्टी इस्तेमाल करते हैं वीडियो में, इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस पट्टी में और इस पट्टी में बहुत अंतर है। इसलिए जो हमारी फंटी है, हम इस फंटी का इस्तेमाल सिर्फ इसी पजामे की कटिंग के लिए करते हैं, और इस कटिंग से हमारी सेफ बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाती है।
और जिस तरीके हम पजामा बनाना चाहते हैं वो पजामा हमारा बन जाता है। ये देखिए हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है इस तरीके से। ये वाला निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये जो हमारा बंगाली पजामा है ये कम्प्लीटली कट चुका है और अब इसको सिलाई करना बाकी है। दोस्तों सिलाई करना भी इसकी इतना ही आसान है जितना कि इसकी कटिंग। दोस्तों जो इसको बंगाली पजामा सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पजामा हम जो बनाएंगे इसकी पहचान हो सके, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको लोग बंगाल में ही ज़्यादा पहनते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लें दोस्तों, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे इसी तरह का अगला और नया टॉपिक लेकर। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।